नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपकी जो धनु राशि है, अभी गुरु का राशि परिवर्तन 20 नवंबर से हुआ है, थोड़ा वीडियो बनाने में विलंब हो गया, जो 144 दिनों तक रहेगा, होगा 20 नवंबर से, और ये समय जो गुरु का है 144 दिन का रहेगा। देव गुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान राशि मकर से निकलकर कुंभ में प्रवेश करेंगे। ये शनि देव की मूल त्रिकोण राशि है। गुरु यहाँ 144 दिनों तक रहेंगे। 13 अप्रैल 2022 को वो मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी राशि पर, यहाँ लग्न के अनुसार प्रभाव देखा जाएगा, राशि के अनुसार भी प्रभाव देखा जाएगा। तो आप लोग राशि और लग्न दोनों वाइज यहाँ पर देख सकते हैं, इस वीडियो में इसको सुन के समझ सकते हैं। देखिए, आप किसी भी एज ग्रुप के हों, कुछ भी काम करते हों या कैसे भी हों, लेकिन गोचर का प्रभाव उस पर अवश्य पड़ता है। गोचर सब पर बराबर ही प्रभाव डालता है। गोचर हमेशा ही लेकिन निर्भर करेगा आपकी कुंडली की स्थिति पर। ये गुरु का गोचर है, गुरु यहाँ राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति कैसी है, गुरु वहाँ पर कारक हैं या मारक हैं। अगर मारक होने के बाद भी गुरु कभी भी बहुत बुरा प्रभाव नहीं डालते आप पर, क्योंकि वो देव गुरु हैं, वो अच्छा ही करते हैं, थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं। उसके अनुसार आपका जब समय खराब रहेगा, जब गुरु का समय आता है, तो कहते हैं कि धीरे धीरे, जैसे एक घर काफ़ी दिन से खाली पड़ा हुआ है, उसमें चीज़ें ठीक नहीं है, टूट फूट गई हैं, तो कि कोई आया, सबसे पहले उसने बल्ब ठीक कर दिया, लाइट जलाई, फिर धीरे धीरे सफाई की गई, धीरे धीरे सामान व्यवस्थित किया गया, फिर उस घर में सब चीज़ों को मेंटेन किया गया। तो जो गुरुदेव जब आते हैं तो मेंटेनेंस का काम स्टार्ट करते हैं आपके जीवन में, लेकिन वो तब होगा, ये गोचर तब आप पर अधिक वर्क करेगा जब आपकी कुंडली में गुरु अच्छी स्थिति में होंगे। ठीक है, आपकी वर्तमान में दशा, अंतर दशा क्या होगी, गुरु वहाँ पर भी अच्छी स्थिति में होंगे, तभी गोचर का आप पर अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ सकता है। वैसे थोड़ा बहुत प्रभाव तो पड़ता ही है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी बार बार कि आपकी कुंडली पर भी निर्भर करता है। अगर आपके गुरु वहाँ पर कमज़ोर हैं या किसी ऐसे भाव में बैठे हैं, तो गोचर कितना भी अच्छा हो, उसका प्रभाव उतना अधिक नहीं पड़ पाएगा। और अगर कुंडली में गुरु आपके सही हैं और गोचर का फल, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन दोनों अगर सही हैं तो वर्तमान स्थिति बहुत ही उत्तम रहने वाली होगी। तो देखिए, गुरु आपकी धनु राशि की कुंडली में कुटुंब भाव से जाकर पराक्रम भाव में बैठेंगे। इस समय में ये पराक्रम में वृद्धि कराएंगे, आपके भाई बहनों से संबंध को भी अच्छा कराएंगे। अगर आपके परिवार में कुछ लोग हैं, पास पड़ोसी हैं, या कोई भी जो लोग हैं जिनसे रिश्ते थोड़े से बिगड़े हुए थे भाई बहनों से भी, तो वहाँ पर आपके संबंध अच्छे होने लग जाएंगे। छोटी मोटी यात्राएं आपकी होंगी और वो लाभप्रद भी होंगी। ये गोचर धनु वालों के लिए काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। आप अगर पिछले समय में थोड़ा यहाँ पर सुस्त महसूस कर रहे थे, इतने एक्टिव नहीं हो पा रहे थे, तो इन दिनों में आलस्य आपका दूर होगा, क्योंकि यहाँ पर गुरु पराक्रम भाव में है। आप एक्टिव हो जाएंगे, मेहनत करने की तरफ, पराक्रम की तरफ आगे बढ़ेंगे, पहले से अधिक कर्मशील हो जाएंगे। लेकिन मैं बार बार ये कहना चाहूँगी कि आपकी कुंडली में गुरु की पोजीशन पर ही डिपेंड करता है कि आपके गुरु कारक हैं या मारक हैं, अस्त हैं, या उनकी डिग्री कितनी है। लेकिन अगर गुरु की स्थिति अच्छी है, तो इस मामले में गोचर के समय में आपको अवश्य सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर मैं कुल मिलाकर कहूँ तो धनु राशि, धनु लग्न वालों के लिए समय उत्तम दिखाई दे रहा है। कुछ परसेंट लोगों की, जिनकी कुंडली में अगर गुरु अच्छा नहीं होगा, उनके साथ थोड़ी तकलीफें रह सकती हैं, नहीं तो
आप अपने पर ध्यान देंगे कि 20 तारीख से आपके जीवन में कुछ परिवर्तन जरूर आएंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। 20 सितंबर से परिस्थितियां आपके अनुकूल होनी शुरू हो जाएंगी। मूलतः इस समय में अगर आप चाहते हैं तो एक बात गांठ बांध लीजिए कि क्रोध से आपको बचना होगा। इस समय में व्यवहार में थोड़ी सौम्यता, शालीनता, सहजता लाना होगा, क्योंकि यहाँ पर पराक्रम भाव जो है थोड़ा सा, ये मंगल का स्थान है और यहाँ पर आप थोड़ा सा, हो सकता है कि धनु राशि वालों के अंदर क्रोध अधिक बढ़े, क्योंकि एक्टिव होने के साथ साथ इंसान एग्रेसिव भी हो सकता है। तो मैं कहूँगी कि अगर आप सफलता चाहते हैं, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है। इस समय में आपकी रुचि जो है वो धार्मिक ज्ञान की तरफ, धार्मिक कार्यों की तरफ अधिक होती हुई दिखाई दे रही है। ईश्वर के प्रति आपकी आस्था और अधिक बढ़ जाएगी। इस समय में आपको आपकी माता का सहयोग प्राप्त होगा। अगर संबंध थोड़े उनसे खराब थे तो उनसे संबंध सुधरने लग जाएंगे, और आप भी जीवन में अगर अच्छा चाहते हैं तो अपनी माता से संबंधों को सुधारने में लग जाइए, उनका आशीर्वाद लीजिए। और इन दिनों में ये भी दिखाई देता है कि अगर वो नाराज़ थी तो भी उनका आशीर्वाद आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़े भाई बहनों से भी सहयोग प्राप्त होगा, प्रेम और सम्मान मिलेगा। साथ ही साथ इस समय में वर्तमान में देखिए, आप लोगों पर यहाँ शनि की ढैया भी चल रही है। अब ये भी मैं कहूँगी कि शनि की ढैया भी हर किसी के लिए बुरी नहीं है। शनि की ढैया तो उत्तम मानी जाती है कि शनि देव जाते जाते कुछ अच्छा करके जाएंगे। तो अगर किसी की कुंडली में शनि भी अच्छे हैं और गुरु भी यहाँ पर अच्छी स्थिति में आ जाएं, गोचर में तो अच्छे हैं ही और पहले से कुंडली में भी अच्छे हैं, तो उनको सबसे सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर समय उनका माना जाएगा। देव गुरु की स्थिति, और ये भी देखना होगा कि उनकी जो दृष्टि है वो अब कहाँ कहाँ पर पड़ रही है, उसका क्या फल होगा। तो उनकी दृष्टि यहाँ देखिए पड़ रही है आपके धर्म भाव पर, यानी भाग्य भाव पर, जिसको अगर ऊपर से काउंट करेंगे तो 9 नंबर पर जो आता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जब आपके गुरु की दृष्टि धर्म भाव पर पड़ेगी तो आपका धर्म में रुझान बढ़ेगा, ऐसे कामों की तरफ आप बढ़ेंगे। हो सकता है कि पूजा पाठ में ज़्यादा मन लगने लग जाए, आप अधिक स्पिरिचुअल हो जाएं, लोगों की मदद की तरफ अपना हाथ बढ़ाएं। और अगर आप धर्म के रास्ते पर चले और भाग्य ने भी आपका साथ दे दिया, क्योंकि भाग्य भाव पर दृष्टि है, तो आपके जीवन में अच्छा होने से कोई नहीं रोक सकता, आपका भला होगा ही होगा, ठीक है। और देखिए, 7.5 के अगर आप बुरे प्रभाव में हैं तो भी, जैसा मैंने कहा कि अगर शनि अच्छे हैं तो गुरु आकर वहां पर भी स्थितियां सुधारने का काम करेंगे। आप ये सोचेंगे कि मैं सबका बहुत अच्छा अच्छा बता रही हूँ, लेकिन किसी किसी का यहाँ पर अच्छा नहीं हो रहा है, तो बार बार कहूँगी आपकी कुंडली पर डिपेंड करता है। आपकी कुंडली के कारण आपके जीवन में शायद परेशानियाँ आ रही होंगी, वहाँ पर शनि या गुरु आपके अच्छी स्थिति में नहीं होंगे। लेकिन ये गोचर अगर मैं कहूँ तो ये श्रेष्ठ दिखाई देता है। ज़्यादातर राशि के अनुसार देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर लग्न और राशि दोनों के अनुसार बताया जा रहा है। अब देखिए, दृष्टि यहाँ पर गुरु की सप्तम भाव पर भी पड़ रही है। सप्तम भाव व्यापार का, दाम्पत्य का, पारिवारिक जीवन का होता है। तो अगर धनु राशि वालों, आपका रिश्ता यानी कि पति पत्नी के बीच में कोई अनबन चल रही थी और नौबत तलाक तक आ चुकी थी, रिश्ता टूटने की कगार पर चल रहा था, तो वहाँ पर कुछ पैचअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। रोज के लड़ाई झगड़े, कलह में अगर आप जी रहे थे तो उससे आपको मुक्ति मिलने का समय आ गया है। जो लोग अनमैरिड थे उनकी विवाह में बाधाएं आ रही थी, आपके घर वाले रिश्ते ढूंढे जा रहे थे और कुछ फिक्स नहीं हो पा रहा था, प्रयास चल रहा था,
तो ये जो समय है 144 दिन, इसमें आप अपने परिवारजनों को बता सकते हैं कि ये समय उत्तम है। अगर इस समय में कहीं रिश्ता पक्का करने के लिए आगे बढ़ेंगे, कुछ करेंगे, तो ये उत्तम समय में है, आपका काम हो जाएगा। आप लोगों को इतने दिन में, इस समय में प्रयास करते रहना चाहिए, ठीक है। और इस समय में आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे, जो चीज़ें नहीं हो पा रही थी, जैसे मैंने कहा शादी ब्याह को लेके, पार्टनरशिप को लेके, काम काज को लेके, व्यापार को लेके, क्योंकि यहाँ पर सप्तम पर दृष्टि पड़ रही है, आपके भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ रही है। धर्म के रास्ते पर चलेंगे, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, और सप्तम भाव में आने पर यहाँ पर और सुधार आएंगे। तो मैं कहूँगी कि आप केसर का तिलक प्रतिदिन लगाएं, नहाने के पानी में एक चुटकी अगर हल्दी डालकर आप स्नान करेंगे तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। विवाह के लिए, जिनको विवाह की समस्याएं आ रही हैं, और जो लड़कियां हैं, कन्याएं हैं या स्त्रियां हैं, वो गौरी माता की पूजा कीजिए। इस समय में आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि अपने गार्जियंस को भी आप बोल सकते हैं कि इस समय में जाकर देखें, आपने इस वीडियो में सुना है, और अगर आप विश्वास करते हैं मेरी बातों पर, बताए गए वीडियोस में आप लोग फॉलो करते हैं, चीज़ें जा रही हैं, अगर आप मानते हैं तो आप गार्जियंस को भी इस बारे में बता सकते हैं। अगर आप व्यापार या नौकरी, उसमें कुछ और अच्छा करना चाहते हैं, तो इस समय में आपकी इन चीज़ों में प्रमोशन या व्यापार में कुछ चीज़ें चालू हो जाएंगी। उससे हटकर कोई नया व्यापार करना चाहते हैं तो ये जो गोचर है ये उत्तम समय लेकर आया है। अगर आप पार्टनरशिप में काम करने की प्लानिंग्स कर रहे हैं तो भी इस समय में आप कर सकते हैं, लाभ मिलेगा। इस समय में आपको माता का और पिता का दोनों का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, भाग्य में वृद्धि होगी। अगर आपके पिता के साथ कुछ दिक्कतें चल रही थी तो उसमें भी राहत मिलेगी, समस्याएं दूर हो जाएंगी। धर्म भाव में यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है तो आपकी आस्था और ज़्यादा बढ़ेगी। देखिए यहाँ पर यात्राएं आपकी बढ़ेंगी, उसी के साथ साथ सफलताएं भी जुड़ी हुई हैं, आप सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। बहुत समय से अगर आप कोशिश कर रहे थे विदेश जाने के लिए, तो ये समय आपका यहाँ पर सफलता लेकर आया है। आपका वीजा या किसी चीज़ की प्रॉब्लम्स हो रही थी तो वो सॉल्व हो जाएंगी, और आप विदेश जाएंगे और आपके काम भी वहाँ पर सफल होंगे, काम बनेंगे। अगर आप कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहे थे बहुत टाइम से कि कुछ ऐसा किया जाए, और अभी तक आप कोशिश करके भी नहीं कर पाए थे, तो इस समय में 144 दिनों में ये जो गोचर है वो आपको सहयोग प्रदान करने वाला है, आपके काम सिद्ध होंगे, भाग्य भाव भी आपका साथ दे रहा है, तो संभव है कि सब चीज़ें यहाँ पर ठीक हों। आपके लिए कई सारे अनेकानेक रास्ते खुल जाएं, ऐसा दिखाई दे रहा है, नए नए रास्ते खुलेंगे काम के। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा था कि धन आएगा तो कहाँ से आएगा, किस रास्ते से आएगा, क्या होगा, तो मैं कहूँगी कि यहाँ सबके लिए नहीं, जैसा अभी फिर कहूँगी कि गुरु अगर अच्छा है तो यहाँ धन के रास्ते भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये नहीं कि सबके पास धन बरसना शुरू हो जाएगा। आप वीडियो में सुने और फिर बाद में कहें कि नहीं मैडम मेरे पास तो नहीं आ रहा, आप तो बोली थी धन की बारिश होने लग जाएगी, तो ऐसे बारिश नहीं होने लग जाएगी। आपकी स्थिति, गुरु की स्थिति, कुंडली में क्या स्थिति है, सबको मिला जुला के, अगर जिसके में, जैसे अगर मैं कहूँ तो मेरी कुंडली में गुरु जो हैं वो काफ़ी उत्तम हैं, लेकिन गुरु यहाँ पराक्रम भाव में है, तो सब सोते रहने से नहीं मिलने वाला है। आपको अब परिश्रम, मेहनत, पराक्रम करना पड़ेगा। जितना आप जूझेंगे उतना आपको फायदा होगा। कोई धनुराशि वाले बोले हमारे में तो नहीं हो रहा, तो आप चुपचाप बैठे रहेंगे तो नहीं होगा ना। आपको, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि धनुराशि वाले योद्धा हैं, तो अब आपको अपना युद्ध का वस्त्र पहन लेना चाहिए, हथियारों को पहना कर लेना चाहिए, माइंड को तेज करके एक्टिव कर लेना चाहिए, केसर के तिलन माथे पर लगाना चाहिए और जुट जाना चाहिए पराक्रम करने की तरफ, परिश्रम करने की तरफ, तैयारी करके निकलना होगा। माता पिता बड़ों का आशीर्वाद इस समय में मिलेगा, उनका आशीर्वाद लीजिए और आगे बढ़िए। तो यहाँ पर लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जितनी भी आपको यहाँ पर अच्छी बातें बताई,
ये तभी फल आपको मिलेगा जब आप कर्म करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे और जैसा मैंने कहा वाणी पर और क्रोध पर कंट्रोल रखकर चलेंगे। इस समय में आपको सौम्य बने रहने की ज़रूरत है। देखिए ये समय ऐसा है जहाँ पर विवाह सुख, संतान सुख या नौकरी या अगर व्यापार का कोई भी मामला है तो आपको यहाँ पर लाभ होगा, क्योंकि आप कहेंगे संतान भाव पर दृष्टि यहाँ पर नहीं पड़ रही है, लेकिन भाग्य भाव यानी पांचवे से पांचवा भाग्य भाव है। ठीक है, पांचवे भाव से अगर आगे पांच बढ़ते हैं तो वहाँ पर भाग्य भाव है, तो वहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पर आपको भाग्य का साथ मिलेगा और भाग्य आपके संतान से भी जुड़ी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत समय से अगर आप चाहते थे कि आपको संतान की प्राप्ति हो तो ये खुशखबरी भी आपको 144 दिनों के बीच में मिल सकती है। मैं यही कहूँगी कि देव गुरु बृहस्पति संपूर्ण शुभता लेकर आए हैं। शनि की 7.5 से जो कुछ लोगों को थोड़ी परेशानियाँ उठानी पड़ रही हैं, तो मैं कहूँगी कि आप हनुमान चालीसा का रोज पाठ कीजिए। ठीक है, और हो सके तो शनिवार शनिवार हनुमान जी के मंदिर में जाइए, एक दिया जलाइए। गुरु के समक्ष या जो आपसे बड़े हैं, ठीक है, उनके सामने आशीर्वाद लीजिए। अपने जीवन साथी का, अपनी माता का, अपने बड़ों का और जिनको आप गुरु मानते हैं, उनकी बातें इन दिनों में अगर आप मानेंगे तो ये आपको शुभ फल देने वाला होगा। फिर से मैं एक बार कहूँगी कि आप केसर का तिलक लगाइए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। अगर आप पाठ नहीं भी कर पा रहे हैं तो YouTube में आप सर्च कीजिए और सुबह सुबह पूजा पाठ करिए, केसर का तिलक लगाइए और सहस्त्र नाम वहाँ पर लगा कर रख दीजिए, उसका श्रवण कीजिए। अगर आप नहीं पाठ कर पा रहे हैं तो सुनिए, ठीक है। और धार्मिक कार्यों की में आपकी रुचि इस समय बढ़ी रही है। और एक चीज़ और कहूँगी, जब खाना खाने बैठिए तो एक रोटी आप जो कुछ भी है वो गाय के लिए अवश्य निकालिए और गाय को खिलाएंगे। तो ये जो उपचार मैंने बताए हैं और ग्रह गोचर व्यवस्था में जो चीज़ें शुभता लेकर आ रही हैं उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। तो हमारे धनु राशि वालों, ये तो था ग्रह गोचर का फल 144 दिनों के लिए। आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि आपकी लव रीडिंग, तो मैं एक दिन बाद यानी कि 29 को आपकी लव रीडिंग डालूंगी। और ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप नीचे लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और उसके अलावा नीचे कमेंट्स में भी लिखिए। अगर आप लोग संपर्क करना चाहते हैं, जैसे आप अपनी संपूर्ण कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं, तो मेरा नंबर आप नोट कर लें, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कुछ मिनिमम फीस है मेरी। नंबर नोट कीजिए 9323135511। मेरी मेल आईडी है vibhasinghact80@gmail.com। तो मैं जाने से पहले कहूँगी कि ये एक पूरी ग्रह गोचरीय व्यवस्था के अनुसार चीज़ें मैंने बताई हैं। अब आपके कुंडली में गुरु इस समय में क्या कर रहा है, या धनु राशि वाले, कोई भी राशि वाले अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं या मुझसे टैरोट पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो देखिए लव रीडिंग जो मैं करती हूँ वो टैरोट रीडिंग से करती हूँ, ये मैं जो आपको बताती हूँ कुंडली वाइज बताती हूँ। तो मैं दोनों चीज़ें देखती हूँ, आपको अगर दिखाना है मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और जाने से पहले मैं कहूँगी, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिले, शक्ति माता का आशीर्वाद मिले और गुरुदेव का आशीर्वाद भी मिलता ही रहे, क्योंकि गुरुदेव एक शुभता का समय लेकर आए हैं। तो मेरे साथ कहिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।